बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों देखिए मैं कहाँ की तैयारी कर रही हूँ। मैं इस समय तैयार हो चुकी हूँ और अभी हस्बैंड बाइक लेने गए हैं और तब तक मैं जा रही हूँ बाहर और स्लीपर पहनूंगी। उसके बाद से मुझे लॉक भी करना है गेट को। तो बेटा भी तैयार हो गया है और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। अभी जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। और देखिए मैं आ गई हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर जो कि मायके की हैं। तो हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और वहाँ पे पहुँचते ही मैं देखिए क्या खाने बैठ गई हूँ। चाय नाश्ते के बाद से फिर मैं आम खाने बैठ गई हूँ क्योंकि ये दोपहर का समय था। तो मेरी जो फ्रेंड है वो चली गई मैगी बनाने के लिए क्योंकि बेटा को मैगी बहुत पसंद था, तो वो मैगी बना रही हूँ। और इधर मैं थोड़ा सा वीडियो उसके रूम का बना रही हूँ। उसने बोला कि वीडियो आप बना लीजिए, लेकिन मैं तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और ये देखिए वॉल पेपर लगा हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सीलन आता था और वॉल ख़राब हो गया था। तो ये एक न्यू स्टाइल का देखिए आजकल बहुत ज़्यादा चला है, आप लोगों को पता होगा। तो ये देखिए गेस्ट रूम है उसका। तो यही सब मैं वीडियो बनाई हूँ और खाने पीने का तो वीडियो मैं नहीं बनाई क्योंकि हस्बैंड जी थे और मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो कुछ भी बोल देते तो मूड ख़राब हो जाता बिना वजह। और यहाँ देखिए आ गए हैं चौराहे पर, गोलघर चौराहा है गोरखपुर का। तो यहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि हस्बैंड जी गए हैं तेल भरवाने बाइक में। और हम देखिए यहाँ पे अपना पल्लू सर पे ले लिए, ढक लिए क्योंकि ज्वेलरी पहनी हूँ और यहाँ चुनौती बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी सतर्कता बनाए रखनी चाहिए सभी को क्योंकि सोना चांदी बहुत ही महंगा हो गया है। और आज देखिए अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने चौराहे पर। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस पे अपने हेलमेट रखने और जो भी उनका बैग था काम का वो भी रख के आ गए हैं। तो फिर हम घर के लिए निकल लिए और पीछे से मैं थोड़ा सा वीडियो और बना ली हूँ क्योंकि अभी तो हस्बैंड कुछ बोले भी तो कोई इतना नहीं लगेगा, मूड तो ऐसे भी फ्रेश है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकान में काम करते हैं वो हैं वीडियो मिक्सिंग का काम होता है, फोटोग्राफी का काम, ये काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि ये वीडियो मिक्सिंग और फोटोग्राफी करते हैं। जेठ और देवर जी का ये बिजनेस है तो वो अपनी हेल्प के लिए इनको रखे हैं। और मैं आ गई हूँ घर के अंदर और अंदर आके रूम में देखिए मैं अभी जा रही हूँ बैठने, थोड़ा सा आराम करूँगी। और कहीं से आने के बाद इतनी थकान होती है कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है मुझे। कहीं मैं जाना आना भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए कहीं भी सफ़र पे नहीं जाना चाहती हूँ। तो देखिए आ गई, हस्बैंड गए हैं बाइक रखने बेसमेंट में। और जब हस्बैंड रहते हैं तो मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। आ गए हैं अपने घर और अभी को थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। देखिए आ गए हैं, कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज के 11 बजे मैं पहुंच गई हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।